हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग बेटा। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग बेटा। कैसे हैं सभी बच्चे? कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स? अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और अपना जो फर्स्ट चैप्टर है बच्चों, वो कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट हो चुका है ना? आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर सॉल्व चैप्टर नंबर फर्स्ट के। तो सबसे पहले सभी बच्चे अपनी नोटबुक में डेट मेंशन करें, और डेली करना है। सबसे पहले डेट मेंशन करो, तो आज डेट है 10 जुलाई 2021। मेंशन करो। डेट के बाद मैं मेंशन कर लेती हूँ क्लास। तो क्लास है यहाँ पर मेरे साथ में थर्ड, और सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस। चैप्टर चल रहा है अपना फर्स्ट। और नेम है टुगेदर एज अ फैमिली। टुगेदर एज अ फैमिली, ठीक है। चलिए, टू क्वेश्चन मैंने कल सॉल्व करवाए थे, टू क्वेश्चन मैंने कल सॉल्व करवा दिए थे, और आज थर्ड नंबर क्वेश्चन राइट करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर थ्री, ऑल members, sorry, all members of mother's side are called, मामा की साइड के जो members होते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है मैटरनल रिलेटिव्स। मैटरनल रिलेटिव्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी है पैटरनल रिलेटिव्स कहते हैं। मैटरनल, पैटरनल, सी ऑप्शन होगा। फ्रेंड्स कहते हैं, और डी ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। मैम पेंसिल से करना? हाँ बेटा, बिल्कुल पेंसिल से करना। अभी आप थर्ड क्लास में हो ना, अभी पेंसिल से काम करना है। अभी जैसे आप नोट करते हैं, कुछ गड़बड़ हो जाती है तो इरेज करके उसको ठीक किया जा सकता है ना। पेंसिल से काम करो। All members of mother's side are called, मामा की साइड के जो लोग होते हैं, members होते हैं, उनको क्या कहते हैं? Maternal relatives कहते हैं, paternal relatives कहते हैं, friends कहते हैं, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं कहते हैं, सारे के सारे गलत हैं। बताओ बच्चों कौन सा ठीक है? Maternal, paternal, friends या कोई नहीं? नीरज ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर, मैटरनल रिलेटिव। सो आवर आंसर इज मैटरनल रिलेटिव। मामा की साइड के जो भी रिलेटिव्स होते हैं उनको कहते हैं मैटरनल रिलेटिव्स। क्वेश्चन नंबर फोर राइट करेंगे। फोर नंबर है All members of father's side
मैटरनल रिलेटिव्स, मैटरनल रिलेटिव्स बी ऑप्शन है, पैटर्नल रिलेटिव्स सी है, फ्रेंड्स और डी है नॉन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। बताओ बच्चों, ऑल मेंबर्स ऑफ फादर्स साइड, पापा की साइड के मेंबर्स को क्या कहते हैं? पापा के साइड के मेंबर्स को, दृष्टि ने आंसर भी दे दिया। नीरज उल्टा भी बना दिया, नीरज उल्टा भी बना दिया है ना, बी बना रहा था डी लिख दिया है ना, हाँ गड़बड़ कर दी। सो पापा के साइड के जो मेंबर्स होते हैं उनको कहते हैं पैटर्नल रिलेटिव्स, अवर बी आंसर इज करेक्ट। हाँ वेरी गुड अमन, लक्षिता वेरी गुड बेटा, एकदम ठीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और वो है पीपल हु हैव सेम grandparents are called, वो लोग जिनके सेम grandparents होते हैं उनको क्या कहते हैं? ए नंबर ऑप्शन है siblings, बी है cousins, डी है ट्विंस और सी है ट्विंस और डी है यंगर सिस्टर। Younger sister. People who have same grandparents. बेटा यहाँ कहा है कि जिन बच्चों के सेम ही दादा दादी होते हैं, एक ही दादा दादी होते हैं है ना, कल मैंने बताया था ना, सिबलिंग होते हैं जिनके मम्मा पापा सेम होते हैं, ट्विंस होते हैं जो एक ही पेरेंट्स के सेम टाइम पर दो बच्चे होते हैं, सेम एक जैसे दिखाई देते हैं, यंगर सिस्टर छोटी बहन होती है, और कजिन क्या होते हैं? मम्मा पापा तो अलग अलग होते हैं और दादा दादी एक ही होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? कजिन्स। हाँ लक्षिता ठीक है बेटा आंसर, आप सभी बच्चे ये नोट करो, फिर मैं आगे बताऊंगी आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, पहले आप ये सॉल्व कर लीजिए। दृष्टि, प्रांजल, दीपिका, आराध्या, अमित, खुशी, खुशी यादव, एंजल, दिव्यांशी, तनीषा, नीरज, मुन्नू, लक्षिता, आर्यन, अमन, तनीषा, आयुष, समझ आ रहा है बच्चों? समझ आ रहा है सभी को? अमन ने कर भी डाला, गंदा गंदा काम नहीं करना है अमन, गंदा काम किया तो पिटाई लगाऊंगी, अच्छा अच्छा काम करना है, सुंदर राइटिंग में जमा जमा के।
ठीक है कर लीजिए, पर आप सभी बच्चे कर लीजिए आराम से। प्रांजल हैव यू डन बेटा? प्रांजल हो गया? प्रांजल प्रांजल हो गया बेटा? तनिषा हो गया बेटा? तनिषा तनिषा हो गया आपका? हो गया क्या? आराध्या का हो गया है, ठीक है। अमित कुमार चलिए नोट कर लीजिए, आराम से नोट कर लीजिए। ये प्रांजल बच्चा जो है बेटा नोट नहीं कर रहे हैं आप? प्रांजल लक्षिता वेरी गुड बेटा, लक्षिता हो गया है आपका? शाबाश। तनिषा दिव्यांशी का हो गया है? वेरी गुड। खुशी खुशी राठौड़ हो गया बच्चे आपका? अमन दिखाओ नोटबुक, दिखाना अमन नोटबुक दिखाओ अपनी। नोटबुक का है अमन? अमन कहाँ है नोटबुक दिखा? जिन बच्चों ने कर लिया है वो क्वेश्चंस को रिपीट करें। ओके वेरी गुड। दृष्टि मुनु चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में नोट करवाती हूँ बच्चों। ये यहां तक सभी बच्चों ने राइट कर लिया है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि एक सेंटेंस होगा और उसमें वन या टू वर्ड मिसिंग होंगे, ठीक है। हमें सोचना है, दिमाग लगाना है, जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग, जो अपना अभी अपन ने चैप्टर पढ़ा है ना उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आंसर आएगा, ठीक है। चलिए तो मैं कर रही हूँ इरेज। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, सेकेंड नंबर फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिल करो। नंबर वन क्या है? अ फैमिली इज अ फैमिली इज अ वेरी इम्पोर्टेंट
आवर, मैं ब्लैंक छोड़ रही हूं, आप नोट करते जाएं और आंसर बताना मुझे कि क्या आंसर आएगा। दिमाग लगाओ अपना। फैमिली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? सेकेंड है ऑफ अ फैमिली लुक आफ्टर ईच अदर। फैमिली में कौन लोग होते हैं जो एक दूसरे की देखभाल करते हैं? मम्मा बीमार हो गई तो बच्चों ने ख्याल रख लिया, बच्चे बीमार हो गए तो मम्मा ख्याल रखती है, हाँ घर में कोई बड़े हैं तो वो ख्याल रखते हैं। थर्ड है ब्रदर एंड सिस्टर आर कॉल्ड। जो भाई बहन होते हैं उनको क्या कहते हैं बच्चों? फोर नंबर राइट करेंगे फिर। siblings who look almost exactly alike and born just a few minutes apart. Five number है the features that we inherit from our parents and grandparents are
नॉन एस। हाँ जी नोट कर बताइए। शाबाश, अमन ने आंसर दिया है, लक्षिता ने आंसर दिया है, वेरी गुड। देखो अ फैमिली इज अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर फैमिली। किसमें इम्पोर्टेंट है? हमारी लाइफ में, एल आई एफ ई। ऑफ अ फैमिली लुक आफ्टर ईच अदर, कौन एक दूसरे की देखभाल करते हैं? मेंबर्स, मेंबर्स ऑफ अ फैमिली लुक आफ्टर ईच अदर। ब्रदर एंड सिस्टर आर कॉल्ड, ब्रदर और सिस्टर क्या होते हैं? सिबलिंग्स, ब्रदर और सिस्टर सिबलिंग्स होते हैं। आर द सिबलिंग्स हु लुक ऑलमोस्ट सेम, वो सिबलिंग जो बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं और जस्ट एक मिनट आगे पीछे पैदा होते हैं, क्या होते हैं वो? ट्विंस। द फीचर्स दैट वी इनहेरिट फ्रॉम अवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स आर नोन एज, वो फीचर्स जो हम हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से हमारे अंदर आ जाते हैं वो फीचर्स क्या कहलाते हैं? हैरी डी टरी, हेरिडिटरी फीचर्स। ये लो बच्चों, कंप्लीट हो गया है आज हमारे, सॉल्व हो चुके हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और साथ में ही फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो आप सभी बच्चे अच्छे अच्छे राइटिंग में से नोट कर लीजिए और होमवर्क में आपको 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आज मैंने राइट करवाए हैं और ये फिल इन द ब्लैंक्स, इन्हें फेयर नोटबुक्स में राइट करना है और साथ में ही इसे प्रॉपर लर्न करना है। जो चैप्टर मैंने आपको रीड करवाया है, फर्स्ट नंबर चैप्टर, उसे आप लोगों के पास अगर बुक है तो बुक से रीड करो, बुक नहीं है तो मैंने बोर्ड पर जो नोट करवाया था उसे बैठ करके रिवाइज करो। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।